बिहार में एनडीए गठबंधन के दो घटक दलों जदयू और लोजपा के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। जदयू नेता गुलाब गौस के आपत्तिजनक बयान पर लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कड़ा प्रहार किया है। अशरफ ने कहा है, लोजपा नेताओं की फिक्र छोड़ अपनी जदयू के नेताओं पर ध्यान दे, बेचारे रोज पिट रहे हैं। अशरफ अंसारी ने कहा है कि गुलाब गौस जी खुद दूसरों के कंधों पर बैठे हैं, वो क्या बोलेंगे। जदयू में बड़बोले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, उसमें से एक गुलाम गौस साहब। हम इनको बताना चाहेंगे तो गुलाम गौस साहब, हमारी फिक्र छोड़ दीजिए, आप पहले अपने नेताओं की फिक्र कीजिए जिनको डेली जनता ढेला और पत्थर लेकर के दौड़ा रही है और भागते चल रहे हैं। और रही कंधों पर चढ़ने की बात, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कंधों पर चढ़ कर नहीं, आम आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में यकीन रखते हैं। और आप लोगों के मुंह से कंधे पर चढ़ने की बात अच्छी नहीं लगती गुलाम गौस। बता दें कि हाजीपुर में जदयू के एमएलसी गुलाब गौस ने जमुई से सांसद और लोजपा नेता चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा है कि चिराग राजकुमार ना बने, जनता से पत्थर पड़ेगा तब समझ में आएगा। बहुत सारे राजकुमार राजनीति में आए लेकिन टिके नहीं। जदयू एमएलसी गुलाब गौस ने कहा है कि दूसरों के सहारे पे कोई बहुत बड़ा नेता नहीं बन सकता। चिराग पासवान को लेकर गुलाब गौस ने आगे कहा है कि ऐसे लोगों का सहारा हटता है तो औकात समझ में आ जाती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जनता के बीच जाएं, धूप पानी हवा गोला और पत्थर खाएं, तब उनकी राजनीति परिपक्व होगी। इसके बाद गुलाब गौस ने एक शेर कहा, ना खाई हो जिगर पर चोट जिसने जिंदगानी में, उसे क्या गम ए शीश किसी के दिल टूट जाने में। गुलाब गौस के इसी बयान पर लोजपा ने तंज कसा है। इधर इस तरह की कई खबरें आ रही हैं कि जदयू विधायक अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे दर्जनों खबर आ चुकी हैं। अब नेताओं और मंत्रियों के विरोध में नारे लगे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।